वाड़ी क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उत्साह में समापन। वाड़ी के गुरुप्रसाद नगर स्थित खेल मैदान में श्री बालाजी वॉलीबॉल संघ द्वारा आयोजित 1 व 2 फरवरी को संपन्न राज्य स्तरीय वॉलीबॉल खेल स्पर्धा का उत्साह में समापन किया गया। रविवार को दिन भर 2 वॉलीबॉल कोर्ट पर राज्य के जिले गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा के कुल 23 वॉलीबॉल संघ ने वॉलीबॉल खेल का बढ़िया प्रदर्शन किया। सुबह से रात 7 बजे तक स्पर्धा के मुकाबले सम्पन्न हुए। आखिरी मुकाबला गुजरात के वरसाद संघ और नागपुर शहर से आई पंडित मोटर संघ के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबले हुए 50, जिसमें गुजरात के संघ ने सफलता प्राप्त की। नागपुर के पंडित मोटर्स को उपविजेता घोषित किया गया। अंतिम मुकाबला देखने दर्शक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्पर्धा समाप्ति पर बख्शीश व चषक वितरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। रामटेक के सांसद कृपाल तुमारी व आमदार समीर बेकी के हाथों गुजरात के विजेता संघ को प्रथम पुरस्कार रुपए 21,000 कैश व श्री बालाजी स्मृति चषक तथा उपविजेता नागपुर पंडित मोटर्स संघ को द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए कैश व श्री बालाजी स्मृति चषक तृतीय पुरस्कार दमन गंगा नाशिक संघ को कैश 7,100 रुपए प्रदान किया गया। संपूर्ण मुकाबले में उत्तम खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन पर पारितोषिक 5,100 व रुपए 1,100 एयरफोर्स नागपुर व युवा शक्ति बिटोरी संघ को प्रदान किए गए। उत्कृष्ट खेल का निजी मैन ऑफ द मैच पारितोषिक 2,100 रुपए का पंडित मोटर्स के खिलाड़ी परविंदर डाका को मैन ऑफ द फाइनल मैच का 1,100 रुपए का नकदी पुरस्कार, गुजरात वरसाड संघ के खिलाड़ी सनी राठौड़ को बेस्ट नेटर पारितोषिक 1,100 पंडित मोटर्स के दीपक शर्मा को तो बेस्ट सेंटर पुरस्कार 1,100 रुपए नकदी सनी राठौड़ को प्रदान किया गया। इस स्पर्धा में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व हरियाणा राज्य से कुल 23 संघों ने सहभागी होकर अपने कुशल वॉलीबॉल खेल से वाड़ी वासियों को रूबरू कराया। पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर सांसद कृपाल तुमाने, आमदार समीर मेके, सह नगर सेवक नरेश सटे, केशव बांद्रे, व्यवसायिक सतीश जिंदल, कार्यक्रम के अध्यक्ष किताब सिंह चौधरी उपस्थित थे। संचालन राजेंद्र तिवारी ने किया। पुरस्कार समारोह में कैलाश मंथापुरवार, व्यवसायिक सतीश जिंदल, सुशील शर्मा, मानसिंह ठाकुर, नवीन शर्मा, कैलाश शर्मा, महेंद्र शर्मा, वीरेंद्र मोर, अशोक शर्मा, दिनेश शर्मा, स्वामी प्रसाद सूद, वीरेंद्र चौहान, मनोज कौशिक आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अपने सर्वांचे लाडके नेते, अपने भागाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय मंचकावरती सर्व उपस्थित असलेले सर्व अतिथिगण आणि आता नाव घेतले तर सर्वच नाव माहीत आहे। वेळकुणी बालाजी व्हॉलीबॉल जी तुमचा क्लब आहे, या क्लबने हा वेगळ्या प्रकारचा व्हॉलीबॉल मला वाटला। कारण व्हॉलीबॉल हा शूटिंग व्हॉलीबॉल आहे। आता नवीन नवीन खेळ या ठिकाणी येत असतात, रपका रपका व्हॉलीबॉल रपक्यासारखेच मारत होते। रपटे वाली टीम हरली आणि गुजरातची टीम जिंकली। ऐसा आहे की हा गुजरात का माहौल आहे, इसलिए आप जीते हैं। इस तरह से नए नए गेमों का सरकार की ओर से इंट्रोडक्शन इस हमारे स्टूडेंट लोगों से लेके तो बड़े बड़े क्लबों के माध्यम से होते जा रहा है, क्योंकि जिसका उद्देश्य सही मायने में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो स्कूल में जाने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको किसी भी रूप से शारीरिक क्षमता उसकी बढ़ना चाहिए। इसलिए सरकार ने पिछले साल 34 नए गेमों को परमिशन दिया जो दुनिया में खेली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं खेले जाते हैं। और ऐसे आयोजन के माध्यम से सही मायने में सभी स्पोर्ट्स लवर को और प्लेयर्स लोगों को एक जगह आने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, और इसके द्वारा सभी एक गैदरिंग अच्छी हो जाती है। सभी पार्टियों के लोग एक जगह आ जाते हैं, और यहाँ तो भाई अभी थोड़ी सी फाइट के दिन भी है वाड़ी में, तो इसलिए सभी पार्टी के नेता भी यहाँ, क्योंकि सबको अभी अगला चुनाव हम कैसा जीतेंगे इसकी चिंता भी लगी है। नगराध्यक्ष भी कई दावेदार यहाँ है,
लेकिन हमने डायरेक्ट हवा उस पर भी निकाल लिया, अभी अब डायरेक्ट में चांस नहीं है। और सभी को लगता है कि मैं भी सेवा करूँ, सामाजिक सेवा करने का और सबका दायित्व भी है, किसी ना किसी रूप से वो करते रहते हैं। यहाँ पर जो अभी फाइनल मैच हुआ, बहुत अच्छा मैच हुआ, थोड़े देर देखने का मुझे भी योग यहाँ पर आया, लेकिन जब मैं पहली बार देखा तो बोले, मैंने बोला ये तो वॉलीबॉल नहीं है, मैंने कहा कि रब का वॉलीबॉल है। तो अच्छी बात है, जो विजेता टीम है उसको मैं बधाई दूंगा और जो उपविजेता टीम है उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि अगले वक्त ये स्पर्धा जीतने के लिए वो यहाँ पर जरूर आएंगे और हमारे वाड़ियों के स्पोर्ट्स फ्लोर का हौसला बुलंद करेंगे। आप उपस्थित मंच पे सभी मान्यवर, किसी को भाषण सुनने का भी इच्छा नहीं है, मगर मैं बालाजी, ये जो आपका संगठन है, उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी एक टूर्नामेंट पिछले दो दिन से यहाँ पे आयोजित किया। और मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ तो मुझे और आनंद आया, मुझे मानसिंह जी बोल रहे थे घर पे आके चाय पिए, बोला उससे अच्छे मैं थोड़ा मैच देखता हूँ, तो मैंने भी मैच का आनंद पूरे तरीके से उठाया। और जो जीते हुई टीम है, गुजरात की टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो पराजित हुई टीम है, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई देके। इनमें से न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।